नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। कई दिनों से चल रहे अशोक बल मंगालीवाला के राजनीति में आने की चर्चा को लेकर आज विराम लग गया है, क्योंकि अशोक बल मंगालीवाला आज से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। आज के इस कार्यक्रम में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा रही। इस कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने शिरकत की, जिनमें हिसार के विधायक कमल गुप्ता, हिसार के मेयर गौतम सरदाना, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पुनिया, घोलू गुज्जर और सुरजीत कुमार के अलावा बहुत से नेता वहां मौजूद थे। यही नहीं, अशोक गोयल ने बीजेपी के नेताओं को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। और जब हमने अशोक गोयल के समर्थकों से बात की तो उन्होंने बताया कि जैसे वो अशोक गोयल का साथ राजनीति पार्टी में शामिल होने से पहले दे रहे थे, वैसे ही उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद भी देंगे। ये सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे मंगाड़ी गांव के हैं अशोक गोयल जी, और ये बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है और समाज सेवा पर ज्यादा ध्यान दे। मैं समाज सेवा की तरफ से मैं इनके साथ जुड़ी हूँ और इन्हें मैं आते ही ये मैंने बहन बना लिया। भाई मैं कहती हूँ, चाहे तो बहन का फर्ज है कि भाई जो प्रोग्राम करे तो इसमें बढ़ चढ़ के बाहर आए। बिल्कुल, इनका स्वभाव ही सेवा करने का है और शुरू से स्वभाव है, इसीलिए हम इनके साथ जुड़े हैं। जब आज तो हमने आज ज्वाइन कर रहे हैं, इससे पहले भी हम 2 साल से लगे हुए हैं, उस टाइम भी आप हम सेवा कर रहे हैं, अंकल जी की सारी टीम लगी हुई है। आप खुश है कि इन्होंने राजनीति में कदम रखा है? हम खुश इस बात पे है कि इतने साफ सुथरे जो आदमी बीजेपी कर रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। पहले दिन से लेकिन क्यों से क्योंकि इन्होंने अपने पहले जाने से पहले समाज से भी आगे समाज के लिए वो काम करते हैं। यह कार्यक्रम रानी सती मंदिर सेक्टर 16-17 में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यही नहीं, बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भट्ट का स्वागत अशोक गोयल मंगालीवाला के सुपुत्र व भतीजे ने हार पहनाकर किया। सुरेश भट्ट के नेतृत्व में अशोक गोयल मंगालीवाला ने बीजेपी में शामिल होने का निर्णय ले लिया। आज सबसे पहले मैं अशोक गोयल जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हिसार जिले के बहुत पुराने राजनीतिक परिवार अशोक गोयल जी जिस परिवार से संबंध रखते हैं और राज्यसभा सांसद भी इनके परिवार से रहे, आज इनका भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ज्वाइन करने पर हम सभी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि अशोक गोयल के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और वहीं अशोक गोयल को सामाजिक कार्य करने में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों में जब से हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पिछले 4.5 साल पहले जब से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध सरकार आई और इन्होंने जितने काम किए, जितना डेवलपमेंट किया, जितना भारतवर्ष को पूरे विश्व में उसकी धाक बनाई नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, इन सब नीतियों को देखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अनेक अच्छे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और उसी के निमित्त आज अशोक जी गोयल मंगाली गाँव से संबंध रखते हैं और इनका विदेशों में बड़ा अच्छा व्यापार रहा है। अच्छा यानी बहुत अच्छा। और उससे मन खिन होने के बाद अपनी मातृभूमि की सेवा करने, जन्मभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए वापस हिसार लौट कर और आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बल मिलेगा और इनको भी कार्य करने में एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। कोई शर्त रखी हो या कोई टिकट का कमिटमेंट? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति आता है बिना शर्त के आता है,
और अपने अच्छे मन से आता है, अच्छे स्वभाव से आता है, तो मैं समझता हूँ उसी भाव से अशोक जी हमारी पार्टी में आए हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अशोक गोयल मंगालीवाला ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं बल्कि समाज सेवा करना है, और यदि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें जींद उपचुनाव में जाने की जरूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। मेरी कोई लोकसभा की टिकट की तैयारी नहीं थी, मैं तो जन सेवा करने आया था और जन सेवा करता रहा हूँ और करता रहूँगा। ये तो मेरे अपने परिवार जिनकी मैं सेवा कर रहा था उन्हीं की डिमांड थी कि कोई ना कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे बड़ा समाज सेवा काम हो सकता है तो आप ये ज्वाइन करो, तो मैंने ज्वाइन करी मेरे परिवार से बात। टिकट इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं तो सेवा करूंगा, जाऊंगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।